इतिहास के पन्नों में लिपटी कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनका रहस्य सुलझाना शायद किसी के बस की बात नहीं। सोचिए एक ऐसा समृद्ध गांव जहां खुशहाली की कोई कमी नहीं, वहां के लोग रातों रात अपना गांव छोड़ दें। हाँ, मैं उस गांव की बात कर रहा हूँ जो वर्षों पहले राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, जिसका नाम है कुलधरा। क्या भाई, छुट्टियों के बारे में कुछ सोचा? नहीं यार, अभी तक तो नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, सोच लेना। तूने क्या सोचा है? भाई मैंने तो सोच लिया है, मैं तो छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ अपने पुराने गांव जा रहा हूँ, कुछ टाइम नेचर के साथ, यू नो। एक मिनट, तुम दोनों भी अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? कौन नहीं जाना चाहता अपने गांव, लेकिन उस खंडर में व्हाट्सअप ब्रो। अबे ये क्या कर रहा है? सारा सिलेबस आज ही खत्म कर डालेगा क्या? ये सिलेबस नहीं है यार। तो कुलधरा का रहस्य। मैं अपने गांव के बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ यार। सभी बुक्स एक जैसी हैं यार। सब में लिखा है कि गांव वालों ने रातों रात गांव खाली कर दिया और कारण किसी ने भी नहीं बताया। इसमें भी सही। ये देख, करेंगे इशारा कुलधरा का अलग। यार कुछ तो सीक्रेट है, लेकिन ये शायद आधा है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। अब इसका क्या करें यार? आधा मिल गया, पूरा भी मिल जाएगा। चल ढूंढते हैं। चल तू इसमें देख। नहीं मिला यार। इसमें भी नहीं है। ये क्या है? देख तो। ओ, इसका है। अरे एक मिनट, तुम दोनों को एक बढ़िया सा मैजिक दिखाता हूँ। तुम दोनों में से किसी के पास नोट है? अबे डर मत, तेरी बुक दे तो। और ये नोट वापस आ गया। कमाल है यार, पर ये तूने किया कैसे? अरे ये तो दे दे। आजा ऋतिक, क्लास का टाइम हो गया। अच्छा बाय। दूसरा वाला का है वो यहाँ। परेशान रूह करेंगी इशारा, हो मंजिल या फिर कोई सुराग हो, जिसे सुलझाना रहस्य कुलधरा का, रास्ता उसका सबसे अलग हो। रास्ता अलग हो, सबसे अलग। एक मिनट, कहीं ये जिस रास्ते से टूरिस्ट जाते हैं उससे अलग रास्ते की तो बात नहीं है? यार कितनी देर हो गई चलते चलते? हाँ यार बहुत देर हो गई। और यहाँ पे दूर दूर तक कोई बस तो छोड़, बैलगाड़ी भी नजर नहीं आ रही। हाँ क्योंकि ये कुलधरा है। ऐसा लगता है जैसे ये गांव अपनी कहानी खुद बताना चाहता है। ये जगह आराम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यार कमाल, पूरा का पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है। यार शाम हो गई है, अभी तक कुछ नहीं मिला। और तो और मैं तो ये भी भूल गया कि हम आए किस रास्ते से थे। अभी शाम हो गई है, रुकने का इंतजाम करते हैं और कल इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा एक बात बता। हाँ ऋतिक ने वो जादू कहाँ से सीखा होगा? तुझे नहीं पता? नहीं, सच में नहीं पता। अरे नहीं यार विवेक, वो अपने पापा से सीख के आया होगा। अबे बस कर यार विवेक, ला पानी दे। विवेक, वीर। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, तो सो जाना यार, कल सुबह जल्दी उठना है, पता नहीं है क्या? हाँ आ रहा हूँ। के बात है छोरा, घणो परेशान है? थैंक गॉड, कोई तो मिला। ले पानी पी। आपने मेरे दोस्त को देखा? हाँ देखा तो था भाया, एक छोरे ने बैठा दूर गड्ढ में कुएं का पाछे बैठा। ये बात है छोरा, इस सुनसान इलाके में एकला क्या कर रहे है? मैं यहाँ पे मेरे एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने देखा उसको यहाँ? बैठो तो एक छोरो उस ऊंचे गड्ढे में। विवेक, तू कहाँ था इतनी देर? यार मैं तुझे ही तो ढूंढ रहा था। क्या सोच रहा है? अरे यार जब तू खो गया था मैं तुझे ढूंढ रहा था तो मुझे पीपल के पास एक अजीब आदमी मिला। एक सेकंड, अजीब आदमी जिसने पगड़ी पहनी थी? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? वही सेम आदमी मुझे मिला था, लेकिन मुझे तो वो पीपल के पास मिला था और मुझे किसी खंडर के पास। भाई कुछ तो है जो एक सेकंड, तुझे याद है हमें वो पहेली मिली थी? कौन सी? वो लाइब्रेरी में। हाँ, उसमें क्या लिखा था याद कर? परेशान रूह करेंगी इशारा, वो मंजिल या फिर कोई सुराग हो जिसे सुलझाना रहस्य कुलधरा का रास्ता उसका सबसे अलग। इसका मतलब समझा? नहीं। जो आदमी तुझे मिला वही सेम आदमी मुझे मिला। हाँ तू सही कह रहा है, कुछ तो कनेक्शन है। मतलब वो आदमी हमें सुराग दे रहा था कोई, लेकिन उसे मंजिल शायद इस गांव को श्राप मुक्त करने के लिए शायद। इसका मतलब हमारी मंजिल यहीं कहीं है, चल ढूंढ। कुछ ना कुछ तो मिलेगा वीर। वीर, हाँ कुछ मिला? नहीं तुझे? नहीं। कुछ है भी क्या इधर? यार अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। ये क्या लिखा है यार? मैं इस गांव के मुखिया का बड़ा भाई। मेरा गांव कभी खुशहाल हुआ करता था। यहाँ के लोग यहाँ की सुख शांति के लिए यज्ञ किया करते थे। पशु पक्षियों के लिए इस गांव में उतना ही प्रेम था जितना आदर और प्रेम ईश्वर के लिए था। लेकिन मेरी एक गलती ने इस पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। पर मैं क्या करता? मेरे पिताजी ने मेरे योग्य होते हुए भी मेरे छोटे भाई को मुखिया बना दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरा बस नहीं चला तो मैंने एक तांत्रिक की सहायता ली। हम तुम्हारी समस्या हल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हारे गांव में जो तपस्वी तपस्या करता है मुझे उसका सर चाहिए, क्योंकि मुझे और ताकतवर बनना है। जाओ और उसका सर मुझे ला कर दो। तपस्वी कुछ और ही चाहता था, उसने मेरे साथ छल किया था। मैं जब तपस्वी के पास तलवार लेकर गया उसका सर कलम करने, तभी अचानक तपस्वी की आंखें। मूर्ख, कौन है तू? मैं डर गया था और मैंने खुद को बचाने के लिए अपने भाई का नाम ले लिया। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। ओ, गांव का मुखिया और ये पाप! जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा यह खुशहाल गांव फिर कभी खुशी नहीं देख पाएगा। तेरा गांव रातों रात तबाह हो जाएगा और फिर कभी नहीं बसेगा, और तू अकेला इस गांव में तड़पेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में मैं इस गांव के मुखिया का बड़ा भाई हूँ और ये सब मैंने एक तांत्रिक के बहकावे में आकर कर दिया। कृपया करके मेरे इस गलती की सजा मेरे पूरे गाँव को मत दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। तुमसे भूल तो हुई है, लेकिन तुमने उसे स्वीकारा भी है। मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक उपाय है। वर्षों बाद हम सभी का पुनर्जन्म होगा, तब तुम्हें ये सूत्र गांव के बीचों बीच उपस्थित खेजड़ी के वृक्ष पर बांधना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सब कुछ तुम्हें तांत्रिक को सब कुछ याद आने से पहले करना होगा, वरना ये गांव कभी श्राप मुक्त नहीं हो पाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद जब मैं अपने गांव लौटा तो गांव में कोई नहीं था। मैं बहुत दुखी हूँ और अपने पुनर्जन्म की याद के लिए पुस्तक लिख रहा हूँ। उसके बाद अपनी देह त्याग कर दूंगा। मतलब ये सब किया धरा उस मुखिया के बड़े भाई का है। हाँ, आगे देख तू। ये वाला निशान तो मेरी इस बाजू पर है, ये देख। ये वाला मतलब तू मुखिया है और तू तपस्वी, लेकिन इसमें भी तो बाकी दो हैं। इसमें मैं लिख रखा है, मतलब ये जरूर मुखिया के बड़े भाई का है। हाँ। और इस गांव को श्राप मुक्त कराने के लिए बड़ा रोल मुखिया के बड़े भाई का ही है। लेकिन ये है किसके हाथ पर? और ये निशान यहाँ पे है। क्या करूं यार, आना पड़ा, क्योंकि मुझे भी तो सब कुछ याद आ गया था। वर्षों पुराने श्राप से जरूर मुक्ति मिलेगी। लेकिन तू यहाँ? मुझे तो सब कुछ याद आ गया था, तो मुझे तो यहाँ आना ही था। और फिर तुम्हारा बैग ये मुझे कहीं पे पड़ा हुआ मिला, और फिर मुझे शक हो गया कि तुम दोनों भी यहीं पर मिलोगे। तो चले? कहाँ? उस तांत्रिक को सब कुछ याद आने से पहले वो सूत्र हमें पेट पे बांधना होगा। इस किताब का आखिरी पन्ना खोलो और इसमें जो लिखा है वो पढ़ो। शादाय लगता है गांव को शराब से मुक्ति मिली है। विशाल 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 विशाल